भारतीय जनता पार्टी रायता मोर्चा और आदबी मंडल ने शुक्रवार को राज्य की कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ औराद कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में लागू की गई कई किसान समर्थक योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि योजना, रायता विद्या निधि योजना, भूसीरी योजना, श्रम शक्ति योजना, रायता संपद योजना, एपीएमसी कानून, कृषि भूमि बिक्री कानून, जिला जाओ विद्यालय योजना, शीर समृद्धि सहकारी बैंक योजना, इन सभी योजनाओं को रद्द कर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा की गई है। वहीं कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में करीब 42 किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और किसानों की तुरंत मदद करनी चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार राज्य में किसानों के सेंटों की असीमित लोड शेडिंग को रद्द कर और दिन में 7 घंटे बिजली उपलब्ध कराकर बारिश की कमी के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, किसानों को प्रोत्साहित करें और उन्हें इस तरह आर्थिक रूप से सशक्त बनाए कि किसानों की आत्महत्या जैसी आपदाओं की आशंका न रहे। सरकार के लिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करना और किसानों की सहायता के लिए तत्पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज किसानों के साथ तहसीलदार कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे उन प्रार्थना पत्र सौंपेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ जन नेता मोर्चा के अध्यक्ष, महासचिव, जनप्रतिनिधि, महाशक्ति केंद्र के अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकर्ता उपस्थित थे। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट।